सर कुछ रोज़ पहले काशीमीरा परिसर के सृष्टि इमारत में एक नौजवान की मृत्यु हुई थी। चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक किस प्रकार की कार्रवाई की है, कितने आरोपियों को पकड़ा है? इसमें वहाँ के जो दो सिक्योरिटी गार्ड थे उनका और वो जो वही सोसाइटी में रहने वाला लड़का उनका कुछ आपस में झगड़ा हो रहा था। वो भी रात को थोड़ा लेट भी आता था तो उसकी वजह से उनसे दोनों में अनबन थी। तो जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन वो लड़का रात को 12:15 के आसपास वो सोसाइटी में आता है और फिर वापस जाके सिक्योरिटी केबिन के उधर जाके वो बैठता है। तो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे दोनों, उसमें से जो अमित तिवारी करके जो सिक्योरिटी का नाम बताया जाता था, उसने सीधा उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और एक चेस्ट में और फिर पेट में ऐसा चाकू डाल दिया। तो उसका जो सब कुछ वो बाहर निकलने आया था तो भाग रहा था तो उधर जाके वो गिर गया। तो सोसाइटी के लोग जैसे नीचे आ गए तब तक ये दोनों भी सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ से वो भाग गए थे। उसमें से एक पहला जो गार्ड था उसको तीन चार दिन के बाद सुभाष पांडे को हमने क्राइम ब्रांच की मदद से अरेस्ट किया था। उसको अरेस्ट करके उसकी कस्टडी में था तो उसके इंट्रोगेशन से इसका जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था उसका कोई डिटेल्स सिक्योरिटी एजेंसी पास भी नहीं था और सोसाइटी के पास भी नहीं था। तो उसका नाम अमित तिवारी बताया गया है FIR में, लेकिन उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस हिसाब से उसको ऐसा इंट्रोगेशन करके तो उसने बताया था कि मेरे को एक जो सुभाष पांडे था उसने बताया कि भाई मेरे को एक कॉल आया था ये जो अमित के नाम से, तो वो नंबर उसको याद नहीं था। तो हमने वो सब टेक्निकल एविडेंस सब कलेक्ट करके ये नंबर को ढूंढा और फिर हमको एक जुहू मुंबई का एड्रेस मिला था। उस हिसाब से हमने वो टीम भेज दी और वहाँ ये इधर से नौकरी छोड़ के फिर उधर काम पे लग गया था। तो उसको लाया तो उसका असली नाम अमित कुमार सौरभ है, वो ना कि तिवारी। तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और जो भी कानून की कार्रवाई है उसको 8 जून तक पुलिस कस्टडी रिमांड अभी हमारे पास चल रही है। दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में, दोनों को अरेस्ट कर लिया है। सर हत्या का मूल कारण क्या आया है समझ में? सर कि ये जो अब तक हत्या की इससे जानकारी होता है कि भाई इससे छोटा मोटा झगड़ा होता था ये लड़के का और ये सिक्योरिटी गार्ड लोगों का। तो उस दिन उसका कहना है कि आरोपी का कि भाई मुझे मारने के लिए वो कोई लड़के लोग ले आने वाला था तो उसने दूसरे वॉचमैन ने इसको बताया कि तेरे को मारने के लिए लेके आया, तो वो चाकू लेके बैठा था। और जैसा ही ये लड़का आया और गया फिर वापस आया तो उधर बैठने के बाद उसको डाउट आया कि वो मुझे कुछ तो करेगा, तो उसने करने से पहले ही इसने उसके ऊपर हमला बोल दिया। जो भी रंजीत कुमार जो है सौरभ, वो 2005 में उसके खिलाफ जुहू पोस्ट में 307 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर था।